नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है गाजर और अदरक का इंस्टेंट अचार, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये अचार देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये एक इंस्टेंट अचार है, आप इसे तुरंत भी खा सकते हो, लेकिन 2 से 3 दिन बाद तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए देखते हैं गाजर अदरक के इंस्टेंट अचार में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। गाजर अदरक हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए ये देखिए, मैंने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। इसे पहले अच्छी तरह से धो लिया, छील लिया और इसे छोटे टुकड़ों में काटा है। इसकी नमी हटाने के लिए मैंने एक थाली में कपड़ा बिछा लिया कॉटन का, उसके बाद इसे रख दिया है। और गर्मी होने लगी तो जल्दी से देखिए इसकी नमी हट गई है, तो पूरी तरह से हमें नमी हटानी है। और मैंने लगभग 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे भी देखिए छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। आपको पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हो अदरक, नहीं तो थोड़ा कम भी डाल सकते हो। और मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, लगभग 8 से 10 हरी मिर्च होगी, तो जितना आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से डाल सकते हो। तो मैंने लाल मिर्च भी ली है, तो लाल मिर्च आप या कश्मीरी या देगी मिर्च कोई भी ले सकते हो, तो मैंने कलर के लिए ली है ये। और मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, तीखी है तो इसलिए थोड़ी कम ली हुई है। और ये मैंने मसाला पीसा हुआ है जो कच्चा, ये भुना नहीं है इसे मैंने। तो मैंने इसमें सौंफ 2 चम्मच, क्योंकि मुझे सौंफ अच्छी लगती है तो इसलिए सौंफ ज़्यादा ली हुई है, जीरा 1 चम्मच और राई 2 से 3 चम्मच, ये देखिए मैंने ये पीसी हुई है। और ये इसे भूना नहीं है, कच्चा है। और ये मैं तड़के में भी डालूंगी क्योंकि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और लगभग 1 छोटा चम्मच हींग लिया, और हींग का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा लगता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और खट्टे के लिए जैसे मैंने अमचूर लिया हुआ है, चाहे तो आप नींबू का रस डाल सकते हो या सिरका भी डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देगी मिर्च ली है कलर के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च ली हुई है, हल्दी पाउडर लिया हुआ 1 चम्मच। तो शुरू कर दें गाजर अदरक का इंस्टेंट अचार बनाना। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए, और इसमें मैं ये सरसों का तेल डालूंगी। सरसों के तेल में ही अचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको जो पसंद है वो तेल आप यूज़ कर सकते हो। तो 1 बड़ा कटोरी मैंने सरसों का तेल लिया हुआ, और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं हम। ये देखिए सरसों का तेल मैंने गर्म करने रखा था, अच्छे से गर्म हो गया है, तो मसाले एकदम से जल ना जाए इसलिए मैं गैस एकदम कम भी कर सकते हो आप, या फिर बंद करें। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी बंद कर दे रही हूँ। और अब मैं इसमें राई, जीरा, सौंफ, इन्हीं मसालों को मैंने पीसा भी है, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने डाला है, देखने में तो अच्छा लगता ही है। और अब मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। तो देखिए गैस ऑफ हो गई है, फिर भी बहुत अच्छे से क्रैकल हो रहा है। और अब डाल दूंगी मैं अदरक, हल्दी डाल देती हूँ, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आएगा देखिए। और अब मैं इसमें मिर्च डाल देती हूँ, तो ये देगी मिर्च ली हुई है मैंने। क्योंकि ये मसाले मैंने कच्चे ही पीसे हैं, तो अब मैं इसे तेल में ही डालती हूँ। और अमचूर पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें राई डाली है तो वो थोड़े टाइम बाद उसमें भी फर्मेंटेशन होता है, तो वो भी अपना खट्टापन छोड़ता है, तो आप खट्टा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और हींग और नमक, सभी कुछ डाल दिया है मैंने, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप कलर देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सभी मसाले जो गए हैं तेल में, तो अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ है। और अब मैं इसमें गाजर डाल देती हूँ। लंबे लंबे काट के तो हम हमेशा बनाते ही हैं, पर आप इस तरह से काट के बना के देखिए, जो थोड़ा सा अलग भी लगता है देखने में भी, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये इंस्टेंट अचार है, आप इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे, तो जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो आप इसे तुरंत भी खा सकते हो, या फिर 3 से 4 दिन बाद तो इसका टेस्ट अच्छा सा हो ही जाएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप इसे ढक कर भी थोड़ा सा पका सकते हो, या ऐसे ही
नॉर्मली 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे रख के लगातार चला लें। गाजर अदरक के इंस्टेंट अचार को ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने लगातार चलाते हुए इसे हल्का सा पका लिया है और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा इसका कलर आ गया, हल्का सा सॉफ्ट हो गया। तो ये देखिए तेल भी यहाँ जमा हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, गैस ऑफ कर दूंगी और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा अचार तब हम इसे एक एयर टाइट जार में रख सकते हैं। तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने दूंगी। गाजर अदरक का इंस्टेंट अचार बनके तैयार है खाने के लिए और आपने देखा कि ये अचार बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि गाजर अचार का इंस्टेंट अचार आपको कैसा लगा। और मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।